हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है ओके क्रेडिट में। और आज मैं तमन्ना एक बार फिर से आपके लिए लेकर आई हूँ बिजनेस आइडिया। हम सब जानते हैं बस कुछ ही दिन की बात है और आने वाला है रंगों का त्यौहार यानी कि होली। तो होली के मद्देनज़र भी कुछ ऐसे बिजनेस हैं जो आप शुरू कर सकते हैं। वो बिजनेस कौन से हैं, उनसे क्या फ़ायदे और नुकसान हो सकते हैं, वो तमाम चीज़ें हम आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को अंत तक देखिएगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और हाँ, बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाइएगा। तो चलिए, होली के त्यौहार में कौन से ऐसे बिजनेस हैं जो आपको मुनाफा दे सकते हैं और इन बिजनेस में क्या है खास, देखिए। रंग, अबीर, गुलाल और पिचकारी का बिजनेस। होली पर्व पर प्रत्येक घर के प्रत्येक सदस्य को रंग, अबीर, गुलाल की तो जरूरत होती है। इसके अलावा छोटे छोटे बच्चों से लेकर किशोर अवस्था के बच्चों को पिचकारी की भी जरूरत होती है। इसके अलावा होली में रंग खेलने वालों की जब टोली निकलती है तब उसमें बड़े बड़े लोग भी पिचकारी का इस्तेमाल करते दिखाई देते हैं। ये पिचकारी बच्चों वाली पिचकारी से अलग होती है, ये अधिक दामों वाली होती है। होली के पर्व में ये बिजनेस काफी फायदे वाले होते हैं। इस बिजनेस को दो तरीके से किया जा सकता है। एक तो आप दिल्ली, मुंबई, अहमदाबाद आदि बड़े नगरों की थोक मंडी के सामान लेकर गली, मोहल्ले और कॉलोनी में बैठे छोटे दुकानदारों को बेच सकते हैं जो इन मार्केट्स में नहीं जा सकते। इन थोक मार्केट में रंग, अबीर, गुलाल, पिचकारी, गुब्बारे आदि सामान बहुत सस्ता मिलता है और उसे लाकर बेचने में काफी फायदा मिल सकता है। दूसरा ये होता है कि आप लोकल मार्केट में थोक माल लेकर अपने मोहल्ले में दुकान खोलकर माल बेच सकते हैं। मिठाई और नमकीन के कच्चे सामान का बिजनेस। होली पर्व पर घर घर पारंपरिक गुजिया तो बनती ही है। इसके अलावा मेहमानों का स्वागत करने के लिए अनेक प्रकार की मिठाइयां और नमकीन व्यंजन भी तैयार किए जाते हैं। इनको तैयार करने के काम में आने वाले कच्चे माल का बिजनेस किया जा सकता है। त्यौहार की व्यवस्थाओं के कारण आम आदमी घर से दूर मंडी जाने की जगह पास में ही अच्छी क्वालिटी वाला सामान मार्केट रेट पर खरीदना पसंद करता है। इसलिए इस मौके पर मैदा, सूजी, बेसन, तेल, रिफाइंड ऑयल, घी, मसाले आदि का बिजनेस किया जा सकता है। इसके अलावा होली के मौके पर आमतौर पर चलने वाले चावल के पापड़, आलू के पापड़, मैदे के पापड़, साबूदाना के पापड़, चिप्स, भुजिया बनाकर कच्चे ही बेचे जा सकते हैं। आपकी क्वालिटी अच्छी होगी तो हर कोई आपके प्रोडक्ट को लेने में रुचि दिखाएगा। गुजिया, मिठाई, नमकीन का व्यापार। होली के पर्व पर आप पारंपरिक गुजिया बेचने का काम कर सकते हैं। आपको बहुत ग्राहक मिल जाएंगे जो गुजिया लेने आएंगे तो आपकी दुकान में अन्य मिठाइयां और नमकीन के आइटम दिख जाएंगे तो वो उन्हें अवश्य लेना पसंद करेंगे। इस तरह से आपको भारी संख्या में ग्राहक मिल जाएंगे और आपकी अच्छी खासी बिक्री हो जाएगी और इसमें मुनाफा भी आपको अच्छा हो जाएगा। अपना माल घर पर ही तैयार कर लें या कारीगर बुलाकर तैयार करा लें। घर के ही सामने एक टेंट वाले के यहाँ से मनचाहा फर्नीचर किराए पर मांगकर अस्थाई दुकान बनाकर बिजनेस कर सकते हैं। थोड़े दिनों के लिए दुकान खोलने पर आपको कोई लाइसेंस वगैरह भी नहीं लेना होगा। पूजा सामग्री। ये बिजनेस महानगरों की हाईफाई सोसाइटीज में बहुमंजिला फ्लैट वाली जगहों पर आसानी से चल सकता है, जहाँ के मॉडर्न लोग होली की पारंपरिक पूजा और उसमें काम आने वाली सभी सामग्री के बारे में नहीं जानते। ऐसे लोगों को पूजा का सामान आसानी से बेचा जा सकता है। बेहतर होगा कि आप पूजा के सामान की एक किट बनाएं, उसमें वो भी सामान हो जो पूजा के काम आता है, जैसे गंगा जल, रोली बंधन, चावल, अक्षत, फूल, पान, पूजा वाली साबुत सुपारी, गन्ना, हरे चने के पेड़, जौ की बाली, बेर, पूजा वाला कच्चा सूत, फूल, दूध, गोबर से बने बल्ले की माला आदि। इसके साथ ही एक छोटी सी धार्मिक पुस्तिका जिसमें पूजा करने की विधि का वर्णन हो, रखने में आपको सामान की डिमांड बढ़ जाएगी। ट्रेन, प्लेन के टिकट की बुकिंग। होली के मौके पर अपने घरों से दूर रहने वाले कामकाजी लोग त्योहारों पर घर आते हैं। काफ़ी दूर से लोग अपने घरों के आने की तैयारी तो कर लेते हैं लेकिन वो आने जाने का टिकट नहीं आरक्षित कर पाते। इसके कई कारण होते हैं। कभी ये तय नहीं होता कि कब वो आएंगे और कब जाएंगे। छुट्टी मिलने की समस्या होती है, कभी उस समय फुर्सत नहीं मिल पाती। कई अन्य समस्याएं ऐसे सामने आ जाती हैं जिनकी वजह से रेल का टिकट आरक्षित नहीं हो पाता। ऐसे लोग टिकट पाने के लिए थोड़ा ज़्यादा पैसा खर्चने को तैयार हो जाते हैं। इन परिस्थितियों को देखकर आप इसका बिजनेस कर सकते हैं। लोगों को टिकट दिलाने आपको पहले से ही तैयारी करनी होगी। यदि कोई अपने घर से दूर रहता है और त्योहार पर अपने घर आना चाहता है तो उसके पास इतना समय नहीं बचा कि वो रेल से अपने घर पहुंच सके। ऐसे में यदि आप प्लेन के टिकट का सुझाव दें और उसका टिकट बुक करा सकें तो आपके लिए बहुत फायदे का सौदा है। तो देखा आपने कि किस तरह से आप होली के दौरान कुछ बिजनेस शुरू कर सकते हैं जो आपको मुनाफा दे सकते हैं। क्या उनके फायदे हैं, क्या नुकसान है, वो भी हमने आपको बता दिया। अब फैसला आपके हाथ में है कि आप बिजनेस को स्टार्टअप देना चाहते हैं कि नहीं। लेकिन हम तो हमेशा यही कहते हैं कि आपको बिजनेस को स्टार्टअप देना चाहिए और उन लोगों के लिए बिजनेस बहुत अच्छे हैं जो अदरवाइज भी कुछ और काम कर रहे हैं या कोई और बिजनेस देख रहे हैं। तो ऐसे में आपके पास एक और आमदनी का जरिया बन जाता है। तो चलिए, मुझे दीजिए इजाजत और हाँ, हैप्पी होली। आपके बिजनेस का सच्चा साथी।